लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ हर्ड साउंड। तो फोर्थ हर्ड साउंड नॉर्मली हमारी इनऑडिबल होती है, पूरी तरह से हमें सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन ये सिर्फ ऑडिबल होती है पैथोलॉजिकल कंडीशंस में, और इसकी हम रीडिंग यानी स्टडी सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मैनर्स में कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है फोनोकार्डियोग्राम, और जो प्रोसीजर किया जाता है दैट इज़ नेम एज फोनोकार्डियोग्राफी। फोनोकार्डियोग्राफी एक तरह का ऐसा प्रोसीजर है जो हमें हेल्प करता है टू रूल आउट द फोर्थ हर्ड साउंड, और फोर्थ हर्ड साउंड हमें जनरली बात करें तो ये ज़्यादा सुनाई नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ कब सुनाई देगी, जब कोई तरह की पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी, ठीक है। ये साउंड हमारी एट्रियल सिस्टॉल यानी लेट जब डायस्टॉल हो रहा है, यानी कि एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, और पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, एट्रियल साउंड हमें जब ये सुनाई दे रही है तो इसे हम बोलते हैं एट्रियल गैलप, या इसे हम कह सकते हैं कि एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे जो प्रोड्यूस हुई वो फोर्थ हर्ट साउंड थी, जिसे हम सिर्फ और सिर्फ मेजर किससे कर सकते हैं, फोनोकार्डियोग्राम। क्या कॉजेज हो सकते हैं फोर्थ हर्ट साउंड के, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि किसी भी तरह के कंट्रैक्शन जो एट्रियल मस्कुलेचर से रिलेटेड हैं, या वाइब्रेशंस हैं जो एट्रिया मस्कुलेचर से रिलेटेड हैं, और वहाँ पे किसी भी तरह का अगर हमें डिसबैलेंस देखने को मिल रहा है, या हो सकता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स ड्यूरिंग सिस्टोल कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों, उनकी वाइब्रेशंस की वजह से हमें ये साउंड सुनने को मिलती है, और इसी कंडीशन में हमें फोर्थ हर्ट साउंड मिल जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हम ECG में फोर्थ हर्ट साउंड को कहाँ इंडिकेट कर सकते हैं। तो एंड ऑफ पी वेव, जब पी वेव एंड होती है और ऑनसेट ऑफ क्यू वेव, इस बीच का जो इंटरवल होता है, इस ड्यूरेशन में हमें फोर्थ हर्ट साउंड डिटेक्ट हो जाती है। सो नेक्स्ट बात करते हैं दो अलग अलग करेक्टरिस्टिक साउंड की, लाइक ट्रिपल हर्ट साउंड या क्वाड्रिपल हर्ट साउंड। ट्रिपल हर्ट साउंड को हम ट्रिपल रिद्म के नाम से भी जानते हैं, एक तरह की एबनॉर्मल रिद्म होती है जिसमें हमें करेक्टराइज होता है तीन क्लियर साउंड सुनने को मिलती है ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। हर हार्ट बीट में हमको तीन अलग तरह की साउंड्स साथ के साथ सुनने को मिलती हैं। एक्चुअली ये होती हैं हमारे थर्ड हर्ट साउंड या फोर्थ हर्ट साउंड की किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी की वजह से उनके साइड में सुनाई देती है, जैसे हमने फर्स्ट हर्ट साउंड और सेकंड साउंड सुना उसके बाद ही। तो इसे हम गैलोप रिदम भी बोलते हैं, और साथ के साथ इसे हॉर्स गैलोप भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ उसी तरह से हमें साउंड सुनने को मिलती है, और यूजली ये किसी भी तरह के सीवियर जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है उसका इंडिकेशन होता है। कौन कौन सी कंडीशंस में हमें ट्रिपल हर्ट साउंड सुनने को मिल सकती है, तो मेरा आंसर है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और सीवियर हाइपरटेंशन की कंडीशन में पेशेंट में आपको सुनने को मिल सकती है ट्रिपल हर्ट साउंड। वहीं बात करें क्वाड्रिपल हर्ट साउंड्स की, तो क्वाड्रिपल हर्ट साउंड क्या है, फोर क्लियर हर्ट साउंड हमें सुनने को मिलती है ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट। हर हार्ट बीट में हमें चार अलग तरह की हर्ट साउंड सुनने को मिल सकती है जो क्लियर होती हैं, इन्हें हम क्वाड्रिपल रिद्म भी बोलते हैं। ये बेसिकली होती क्या है कि ये साउंड हमारी फर्स्ट और सेकेंड हर्ट साउंड्स के बाद ही तुरंत फोर्थ और थर्ड हर्ट साउंड्स की एबनॉर्मलिटी की वजह से सुनने को मिलती है, इसीलिए हम इसे क्वाड्रिपल गैलप भी बोलते हैं। और ग्रेजुअली किसी भी तरह के कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे कि आपका हाइपरटेंशन या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को इंडिकेट करती है क्वाड्रिपल हर्ट साउंड। वहीं बात करें कि कौन सी कंडीशन में स्पेसिफिकली आपको क्वाड्रिपल हार्ट साउंड सुनने को मिल सकती है, तो मेरा आंसर है आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की सिचुएशन होती है तो ऐसी चार अलग तरह की साउंड्स आपको और भी सुनने को मिलती हैं इन पर्टिकुलर हार्ट साउंड्स।